अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सोहेल एक बार फिर से आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ खास ऐसी चीज़ें जो कि मैं काफ़ी एक्साइटेड था। लगभग 3 साल से मैंने जब अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने यूट्यूब पर आना शुरू किया तो मैंने सोचा था कि एक कैमरा लूँगा, बहुत कुछ ऐसा था, लेकिन बजट का प्रॉब्लम था, मेरे पास पैसे नहीं थे या जो भी बोलो आप, मैंने कैमरे नहीं लिए थे। बट आज वो दिन है, आप लोगों का इतना सारा मोहब्बत, इतना सारा प्यार, सब मिलके एक YouTube इनकम बनता है जो कि पैसे में कन्वर्ट होके हमारे पास आता है। आज मैंने एक कैमरा लिया है जो कि मेरा फेवरेट है। मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था, लगभग 1 साल से जब ये कैमरा आया था मार्केट में। ये कैमरा खास करके यूट्यूबर के लिए बनाया गया है, कैनन 200D, मेरा तो फेवरेट है यार। इसके कुछ फीचर्स काफ़ी कमाल के हैं, ऑटो फोकस जो भी है बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले ये जो पैसा इस कैमरे में लगा है वो आप लोग का है, आप लोग की वजह से इतना प्यारा सारा प्यार बहुत कुछ है। मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। चलिए सबसे पहले मैं आपको कैमरा दिखा दूँ और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बताते कुछ फीचर्स कमाल के और कितने का पड़ा है और मैंने किस दिन लिया, मैंने क्यों लिया, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में मैं इस कैमरे का गिव अवे कर दूं, क्योंकि यार अब तो इतना सारा प्यार है कि मैं दूसरा कैमरा ले ही सकता हूं। तो मैं इसे कुछ दिन ही यूज़ करूंगा, 15-20 दिन या फिर 1 महीने, और किसी एक वीडियो में मैं गिव अवे कर दूंगा जब भी 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे एक फैमिली में, बहरा टेक्नो फैमिली में। जिस दिन 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मेंबर पूरे हो जाएंगे, इस कैमरे का मैं गिव अवे कर दूंगा। मज़ा आने वाला, बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलिए करते हैं इस कैमरे की अनबॉक्सिंग, कैनन 200D जो कि आप सभी का फेवरेट DSLR होने वाला है मेरे ख्याल से। जो भी बंदे या फिर जो भी बंदी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर सोच रहे होंगे कि उनके पास एक कैमरा होता है DSLR होता है, या फिर जिसके पास है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि DSLR का जो मज़ा होता है उसका अलग ही एक फीलिंग होता है यार। फोटो या जो भी हो, मतलब जमाना बदल गया यार, DSLR यूज़ करने का मज़ा अलग है। तो इंतज़ार करें इस गिव अवे का, कैनन 200D का। तो चलिए देखते हैं और करते हैं अनबॉक्सिंग। अब हमारे सामने है कैनन 200D का एक प्यारा सा बॉक्स जो कि इस तरह से आपको दिखेगा। लगभग 1.5 से 2 kg का ये वज़न होता है पूरा बॉक्स जब साथ में होता है बैग के साथ। कैमरे की करेंगे बाद में अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बैग है जो कि कैनन की तरफ से हमें मिलता है। जब भी हम कोई कैमरा लेते हैं तो इस तरह का बैग आपको दिख जाएंगे। ये बैग बहुत ही खास नहीं होता है, लगभग लोग अगर आपके पास एक्स्ट्रा लेंसेज हैं 300 या फिर उससे ज़्यादा तो आपको अलग से मार्केट से एक बैग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा बैग नहीं है। इसे छोड़ते हैं साइड में, अब करते हैं अपने कैमरे की अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या कुछ देखने को यहाँ मिलता है, अंदर से क्या निकलता है। साथ में कुछ बिल होंगे, बैटरी होंगे, लेंस होंगे, बारी बारी से देखते हैं। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन बुक होंगे, मैनुअल बुक, सब देखते हैं। यहाँ पे जो बिल नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 38990 यानी कि 39,000 के आसपास का ये कैमरा है जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया आज। साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे जो रिचार्जेबल बैटरी का पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी मैं देख लूँगा बाद में, जो भी है मैं नॉर्मली दिखा दूँ। साथ में एक SD कार्ड जो कि 16 GB का है, आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं, एक्सपेंडेबल होता है, यहाँ पे आप कितना भी लगा सकते हैं। साथ में एक जो चार्जर केबल दे रखा है जहाँ से आप बैटरी को आप रिचार्ज करेंगे, वो केबल है ये। अब जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये है छोटा सा प्यारा सा कैनन का 200D का जो बैटरी है, लगभग 600 के आसपास ये फ़ोटो कैप्चर कर सकता है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है आप इस बैटरी से फुल्ली चार्ज करने के बाद आप 500 से 600 फ़ोटो लगभग खींच सकते हैं अच्छे। अब मैं निकाल लेता हूँ अपने कैनन 200D जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, काफ़ी महीनों से इंतज़ार था, लगभग 1.5 साल से इंतज़ार था यार। इस कैमरे की जो क्वालिटी है, खासियत है, कुछ फीचर्स हैं गज़ब के। अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में मैं नॉर्मल तरीके से बता दे रहा हूँ कुछ हाईलाइट फीचर्स जो हैं। 24.2 मेगापिक्सल के आसपास का एक कैमरा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे कैनन का EOS 200D मॉडल दिख रहा है। इसके जो शटर स्पीड है, ऑटो फोकस है, वो काफ़ी कमाल के हैं। अब देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। यहाँ पर लेंस है जो कि 18-55mm का लेंस साथ में देता है कैनन। अगर आप इससे एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें 2-3 वैरायटी के जो आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, 250mm के लेंस जिसका प्राइस लगभग 9,000 रुपये बढ़ जाता है, लगभग 50,000 के आसपास का वो कैमरा आपको पड़ेगा।
ये लेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये कैमरा आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है। अगर आप एक फोटोग्राफर है, नॉर्मली अगर बहुत बड़े नहीं है तो आप इनिशियली तौर पे आप बिगनिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। खास करके मैंने बताया बार बार कि ये यूट्यूबर के लिए कैनन ने बनाया है ताकि ये कंफर्टेबल हो, काफ़ी हल्का है, वेट बहुत ही लाइट है, काफ़ी ज़बरदस्त है। आप एक हाथ में इसे पकड़ के आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अच्छे से शूट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस कैमरे से अपना खुद का यानी सेल्फी भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, काफ़ी हल्का है, काफ़ी मुझे तो बहुत ही पसंद है। साथ में अंदर से निकलता है कुछ मैनुअल बुक्स, इंस्ट्रक्शन बुक्स। इस इंस्ट्रक्शन बुक को आप पढ़ के या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यूट्यूब भी ढूंढ सकते हैं, बट आपको यहाँ से अगर इंस्टेंट कुछ पूछना है, जानना है या फिर कुछ समझना है तो इस बुक के मदद से आप पढ़ सकते हैं। साथ में वारंटी पेपर है जहाँ पे आपको मिलता है 1 साल का वारंटी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कंपनी में डायरेक्टली कॉल करके यहाँ पे वहाँ पे सर्विस ले सकते हैं। इस कैमरे को लेने का, ख़रीदने का जो मेरा सबसे पहला मकसद ये था कि मैं इस कैमरे को कुछ दिन यूज़ करूँगा, 1 महीने या 1.5 महीने, और जब भी 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं इस कैमरे को करूँगा गिव अवे अपने सब्सक्राइबर के बीच, अपने दोस्तों के बीच, जो कि मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ कुछ ना कुछ। इस बार काफ़ी मज़ा आने वाला, बहुत ही जल्द होने वाला गिव अवे, इंतज़ार करें। और मैं खुद सोचता था यार कि इस कैमरे को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने DSLR खुद से ख़रीदा है। इससे पहले मेरे पास DSLR था बट मैंने वो किसी को गिफ्ट कर दिया था, वो मेरे काम का था नहीं, 555D था, बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि 55 छोड़ के मैं 200D ले रहा हूँ और देखता हूँ कि इसका क्या मज़ा है, क्योंकि मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, काफ़ी लाजवाब, काफ़ी ग्रेट। इस बजट में मेरे ख्याल से इससे अच्छा कैमरा कैनन के द्वारा अभी तक बनाया नहीं गया। बाकी अगर इसी फीचर्स का अगर आप कैमरा चाहते हैं किसी भी कंपनी के, तो आपको 80 से 90 हज़ार का खर्च करने पड़ेंगे, बहुत ही कमाल है यार। इससे लिए गए कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि क्या बेस्ट क्वालिटी का आता है यार। लव यू गाइस, बने इस वीडियो में, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा यानी कि नोटिफिकेशन दबा लें ताकि गिव अवे का आपको पता चलता रहे। लव यू गाइस, बने रहिए इस वीडियो में।